हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स बना चुका हूं इस एक्सरसाइज के 18.2 के, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर। द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, पहली लाइन में आपसे पूछा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन, तो इसका मतलब है आपसे वॉल्यूम पूछा गया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ आयरन। इसके बाद आपको बोला गया है ये बॉक्स आपका कैसा है, ओपन है। ओपन का क्या मतलब होता है, जो आपकी टॉप की साइड है वो यहां पर नहीं है, है ना। और डायमेंशन भी आपको गिवन है, लेंथ है 36, ब्रेथ है 25 और हाइट है 16.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक, यानी थिकनेस इसकी होगी 1.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, हर जगह से थ्रू आउट बोला गया है। इसके बाद बोला गया है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू है, ठीक है, वेट की फॉर्म में कितना है, 15 ग्राम, तो आपसे पूछा है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो इस खाली डब्बे का, ठीक है, ये जो बॉक्स है आपका, इसका वेट आपसे पूछा है कितना होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको वेट गिवन है, तो टोटल आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे आउटर डायमेंशन, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और हाइट होगी आपकी 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इनर डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना, इनर डायमेंशन आप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि थिकनेस आपको गिवन है, है ना, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप इनर डायमेंशन भी फाइंड कर लेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप इनर डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो लेंथ कैसे निकालोगे आप, 36 माइनस 2 इंटू थिकनेस, ओके, यही तो होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू 1.5, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 36 माइनस कितना होगा, 3, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप निकाल लोगे ब्रेथ, 25 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। लेकिन जब बारी आती है हाइट की, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, आपका जो टॉप का यहां पर जो फेस है ये है ही नहीं, है ना, तो इसकी थिकनेस होगी नहीं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 16.5 में से जो नीचे की थिकनेस होगी, है ना, तो बस वो माइनस करोगे आप, यानी कि जो ये वाली थिकनेस है, माइनस 1.5, ओके, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने निकाल लिया इनर डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ थिकनेस, ओके। अब आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आउटर डायमेंशन में से माइनस कर दोगे इनर डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए इसको आप फाइंड कर लीजिए, आप यहां पर लिखेंगे 36, वॉल्यूम क्या होगा आउटर डायमेंशन का, 36 इंटू
25 इंटू 16.5 माइनस यहां पर लिखेंगे आप 33 इंटू 22 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3960 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस तरीके से आपने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ आयरन। इसके बाद आपको निकालना है वेट ऑफ आयरन, तो यहां पर आप निकाल लेंगे वेट ऑफ आयरन। इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहां पर गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू, है ना, इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था 15 ग्राम। तो आपको निकालना है ये जो टोटल वॉल्यूम निकल के आया है इसका वेट कितना होगा। तो यहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपको वॉल्यूम गिवन है इसको यहां पर लिखेंगे 3960 इंटू ये जो टोटल आपका यहां पर वेट गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहां पर सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू है वो ये रख देंगे 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम रख देंगे, तो ये आपका आएगा ग्राम में, है ना, ये आ जाएगा आपका 59400 ग्राम। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किलोग्राम में, तो ये आपका आ जाएगा 59.4 किलोग्राम, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कितना आसान था, सिंपली यहां पर जो बोला गया है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को डिकोड करना है और फिर समझना है क्या बोला गया है, फिर वन बाय वन आपको यहां पर आउटर डायमेंशन गिवन है, इनर डायमेंशन आप फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही आपका इनर डायमेंशन आता है उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो जैसे ही वॉल्यूम आता है उसके बाद आप वेट ऑफ आयरन भी निकाल लेंगे किलोग्राम में, ठीक है, आपको यहां पर ध्यान रखना है ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड कर लें, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट यहां पर समझा दूंगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर है, है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर है लेकिन इसका बेस आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये जो आपका लेंथ है और ब्रेड्थ है ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, लेट्स से ये आपका लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है और ये स्क्वायर है तो इसका लेंथ ब्रेड्थ सेम होगा। ओके, इसके बाद स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पर ये यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद होल्ड्स वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि पानी यहां तक भरा हुआ है, ओके, इस लेवल तक ये पानी भरा हुआ है, ये पानी है पूरा का पूरा, ठीक है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर यहां पर स्पेस बचा हुआ है, यहां पर पानी नहीं है। इसके बाद व्हेन अ क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, द वाटर राइजेस टू द टॉप एंड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ इट्स एज। देखिए इसके बाद बोला गया है एक क्यूब है, उसको हमने पूरी तरह से इस रेक्टेंगुलर कंटेनर में डुबो दिया है, सबमर्ज कर दिया है या फिर इमर्ज कर दिया है, पूरी तरह से डुबो दिया है, उसने पानी की जगह ले ली है। तो बच्चों इस क्यूब को डुबोने से हुआ क्या, वाटर लेवल राइज कर गया, ऑब्वियसली यहां पर पानी भरा हुआ है, तो अगर एक क्यूब को मैं यहां पर डुबो दूं, ठीक है, तो पानी बाहर आएगा। अब यहां पर लिखा है टू द टॉप, पूरा ऊपर तक, ठीक है, वाटर लेवल राइज कर गया टू द टॉप एंड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, ठीक है, इतना पानी बाहर निकल गया है, कितना 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, यानी कि ओवरफ्लो कर गया है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, यहां पर जो वॉल्यूम है जो बाहर निकल गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, ठीक है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इतना पानी बाहर निकल गया है। इसके बाद पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है क्यूब का ये आपको फाइंड करना है और इसकी आपको एज भी फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको यहां पर एक छोटी सी बात याद रखनी है, छोटा सा प्रिंसिपल है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं, है ना, तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने पानी में डाला है उसके बराबर, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपने पानी में डाला, जैसे इस क्यूब को हमने इस पानी में डाला, तो इसका वॉल्यूम, ठीक है, हमें यही तो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, इसके बराबर होगा, यहां पर जो पानी नहीं है, ठीक है, इसके वॉल्यूम के बराबर, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो,
यानी कितना पानी बाहर गया, इसके बराबर ही तो होगा। तो जब आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट ऑफ कंटेनर निकालेंगे, ठीक है, इसका, तो यहाँ पर आप देखें लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट ऑफ कंटेनर कितना होगा, 5 × 5 × 1 सेंटीमीटर की ये हाइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 × 5 × 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो ये कितना हुआ था, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 cm³, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 2 cm³, ओके, इसको ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 27 cm³, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाता है तो आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे लेंथ ऑफ एच ऑफ द क्यूब, तो सिंपली यहाँ पर आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, 27 का होगा 3, ठीक है, 27 किसका क्यूब है, 3 का, ओके। जैसे आप यहाँ पर अगर क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये आपका 27 वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो दैट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एज आ चुकी है 3, है ना, और यही आपसे पूछा था। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू अ पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 25 cm² एट द रेट ऑफ 16 km/h। देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगुलर, आप यहां पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पाइप है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पाइप है और यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर टैंक में। तो जितना पानी आ रहा है, ठीक है, जितना पानी यहां से निकल रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना पानी यहां पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, जितना पानी इस वाटर टैंक के अंदर होगा वो किसके बराबर होगा, जितना पानी 45 मिनट्स में इसने यहां पर रिलीज किया है ना, यही तो मतलब होगा। और ये जो आपका वाटर पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 25 cm², लेकिन किस रेट से आ रहा है, 16 km/h की स्पीड से, है ना। हाउ मच द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस इन द टैंक इन 45 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट के अंदर इस वाटर टैंक का हाइट क्या होगा या फिर वाटर लेवल कितना राइज किया होगा। लेंथ आपको पता है, ब्रेड्थ आपको पता है, हाइट आपको निकालनी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप इन 45 मिनट। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कहीं पर आपको मीटर गिवन है, कहीं पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो इन यूनिट्स को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर, तो इस मीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 8000। इन द सेम मैनर आप ब्रेड्थ को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आपका हो जाएगा 2500, ठीक है। और हाइट आपको निकालना है, इसी टैंक का आपको हाइट निकालना है, ठीक है, तो h इसको मान लेंगे आप। अब यहां पर आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप इन 45 मिनट्स। तो देखिए ये क्या होगा आपका जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहां पर स्पीड गिवन है 16 km/h की स्पीड से आ रहा है, ओके, तो आप इसको लिखेंगे 16 × अब किलोमीटर को यहां पर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आपको 100 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, पर आवर, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, तो ये आपकी लेंथ होगी, ओके, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ओके। उसके बाद आपको टाइम भी गिवन है 45 मिनट्स में, ठीक है, 45 मिनट्स में आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको आप यहां पर लिख देंगे 25 cm². अब यहां पर देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर ये सेंटीमीटर है ना, और यहां पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर जो आपका मिनट है और ये भी आपका
मिनट है, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका आंसर आने वाला है हाइट, वो आपका सेंटीमीटर में आएगा, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक ही स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है। तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक लेवल आगे चलना पड़ेगा, अगर आप बेसिक पर ही अटके रहेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, जैसे हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस इस तरह के हम सॉल्व कर चुके हैं, पहले की वीडियोस में आपने देखा है कि हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, लेकिन अब थोड़ा सा हमको एक लेवल आगे चलना पड़ेगा, है ना, सो दैट कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, आपका टाइम भी बच जाए, है ना। अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। वॉटर इन ए रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर हैविंग बेस 80 मीटर बाय 60 मीटर इज 6.5 मीटर डीप। इन व्हाट टाइम कैन द वॉटर बी एम्प्टीड बाय अ पाइप ऑफ विच द क्रॉस सेक्शन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इफ द वॉटर रन थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक रेक्टेंगुलर रिजर्वॉयर है, ठीक है, जिसका डायमेंशन आपको गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना, जिसमें आपका वाटर भरा हुआ है, ओके। अब आगे बोला है इन व्हाट टाइम कैन द वाटर बी एम्प्टीड, अब कितने टाइम में वो पानी खत्म हो जाएगा, खत्म कैसे होगा, ठीक है, एम्प्टी कैसे होगा, एक पाइप के द्वारा, और उस पाइप का क्रॉस सेक्शन भी आपको गिवन है, ठीक है, स्क्वायर शेप में है और साइड है उसकी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको स्पीड भी गिवन है, किस स्पीड से वो एम्प्टी हो रहा है, इफ द वॉटर रन थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको गिवन है। तो चलिए हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका रिजर्वॉयर है वो आपका क्यूबॉइड है, ओके। तो अब आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, तो यहां पर आप वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप ये फाइंड करेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ वॉटर उस रिजर्वॉयर से गया है, ठीक है, एक घंटे के अंदर अंदर। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड, यू विल मल्टीप्लाई बोथ एंड यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोन इन 1 आवर, ओके। तो स्पीड आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर लिखेंगे आप 15, किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ओके। और यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो साइड आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो स्क्वायर का होता है आपको मालूम है, तो यहां पर हमने वही किया है 20 × 20, लेकिन इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट कि आपकी यूनिट मीटर में आ जाए, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर, वॉल्यूम 600 मीटर क्यूब। लास्ट में आपको फाइंड करना है कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, रिजर्वर के अंदर ये जो पानी है, दिस मच ऑफ वॉल्यूम, ये कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। आपने एक घंटे का निकाल लिया, ठीक है, एक घंटे में इतना खाली हो जाएगा इस स्पीड से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको गिवन था, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, ठीक है, एक घंटे में जितना पानी आपका यहां से एम्प्टी हो रहा है, ओके। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 52 आवर्स, ठीक है, 52 आवर्स में पूरा का पूरा जो रिजर्वॉयर है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना, कितना आसान था। आपने यहां से समझा कि रिजर्वॉयर आपका एक क्यूबॉइड है, तो आपने सिंपली उसका वॉल्यूम निकाल लिया। इसके बाद आपने ये समझा कि एक घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस पाइप से खाली हो रहा है। इन दोनों को फाइंड करने के बाद आप सिंपली यहां पर टाइम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो टोटल वॉल्यूम है और जो आपका 1 आवर में खाली हो रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो टोटल टाइम आपके पास निकल के आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कि आपने यहां पर टोटल वॉल्यूम मालूम था और एक घंटे में कितना खाली हो रहा है, उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं
कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, ठीक है। उसी के हिसाब से हम आगे का जो वीडियो होगा वो अपलोड करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।